बसपा नेता और माफिया अनुपम दुबे ने 36 वर्ष पहले जरायम की दुनिया में कदम रखा था। मारपीट की एक घटना के बाद टीवी दुकानदार पर जानलेवा हमले की घटना को अंजाम दिया। माफिया पर हत्या, डकैती, लूट, गैंगस्टर सहित गंभीर धाराओं में 63 मुकदमे दर्ज हैं। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरटा निवासी माफिया बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे ने 1987 में घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था और उसी समय दुकानदार सरदार मंजीत सिंह पर फायरिंग कर जरायम की दुनिया में कदम रखा। माफिया के खिलाफ मैनपुरी, कन्नौज, सीतापुर, कानपुर में हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 14 जुलाई 2021 को इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में जीआरपी कानपुर के द्वारा कुर्की की कार्रवाई किए जाने पर माफिया ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद से माफिया जिला फतेहगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा जेल में बंद रहा। इसी के बाद से माफिया जिला जेल फतेहगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा जेल में बंद रहा। वर्तमान में अनुपम दुबे मथुरा जिला जेल में बंद हैं। विकास दुबे की तलाश के दौरान जनपद सीतापुर थाना मिश्रिक में बसपा नेता अनुपम दुबे व उनके समर्थकों को पुलिस ने पकड़ लिया था। उस दौरान पुलिस ने बसपा नेता का आपराधिक रिकॉर्ड खंगलवाया, तब पता चला कि इसके खिलाफ 43 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि पुलिस ने बसपा नेता और उसके समर्थकों के खिलाफ कोरोना महामारी का मुकदमा दर्ज कर सभी को मुचलके पे छोड़ दिया था, लेकिन शासन में बसपा नेता के मुकदमों का रिकॉर्ड हाई हो चुका था। अधिकारियों ने इस पर गंभीरता से निगाह रखना शुरू कर दिया। बसपा नेता अनुपम दुबे ने जरायम के बाद अकूत संपत्ति एकत्र की। जनपद में रसूख कायम करने के बाद राजनीति में हाथ आजमाया, बसपा का दामन थाम लिया, नगर पालिका का चुनाव लड़ा और हार गया। इसके बाद निर्दलीय एमएलए का चुनाव सदर विधानसभा से लड़ा, 14,000 वोट मिले। इसके बाद हरदोई के सवायसपुर विधानसभा से बसपा से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उसे 60,000 वोट मिले। भाई अमित दुबे को मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाने के लिए एटा के कद्दावर सपा नेता का सहारा लिया और भाई चुनाव जीत गया। लेकिन इस कद्दावर नेता को माफिया के कई सारे राज पता चल गए थे। वर्ष 2021 में जिला पंचायत चुनाव में माफिया ने सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का जिम्मा लिया। एटा के कद्दावर सपा नेता का विरोध कर चुनाव में पटखनी देने में कामयाब हो गया और बौखलाए सपा नेता ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों से हाथ मिलाकर माफिया के राज उजागर करने शुरू कर दिए और बस यहीं से माफिया के खेल की उल्टी गिनती शुरू हो गई।